हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रबंध लेखांकन की उपकरण, तकनीकें या पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रबंध लेखांकन को इन तकनीकों की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रबंध जो है वो अपने सभी कार्यों को तो कुशलतापूर्वक संचालित करता है, निष्पादित करता है, तो उसे इन तकनीकों की बहुत आवश्यकता होती है। और प्रबंध लेखांकन, जैसा आपको बताया कि प्रबंध लेखांकन का मतलब ही ये होता है कि प्रबंध के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग सर्विसेज टू द मैनेजमेंट। तो ये एक प्रकार का ऐसा प्रबंध लेखांकन यंत्र है जिसके माध्यम से, जिसकी तकनीकों के माध्यम से प्रबंधक समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लेता है। तो ये एक कोई एक टेक्निक नहीं है, बल्कि कई तकनीकों का, कई पद्धतियों का बल्कि सम्मिश्रण है, उनका समन्वय है, उनका कोऑर्डिनेशन है। तो ये तकनीकें कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब ये जो तकनीकें हैं, इन तकनीकों में सबसे पहली जो तकनीक आती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। कोई भी व्यवसाय होता है, कोई भी उद्योग होता है, जब हम चालू करते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। बिना पैसे के, बिना पूंजी के, बिना वित्त के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। तो उसके लिए वित्तीय नियोजन में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता, हमें बेसिक तो सबसे पहले जैसा आपको बताया कि पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी की आवश्यकता का हमको इसमें अनुमान लगाना पड़ता है। तो उस पूंजी की, कितनी पूंजी की हमें आवश्यकता होगी इस उद्योग के अंदर, उस व्यवसाय में, उसका अनुमान लगाते हैं। तो एक आर्थर एस डेविंग, जैसा आप देख रहे हैं, उनके अनुसार आर्थर एस डेविंग ने इसके अंतर्गत किन किन क्रियाओं को शामिल किया, उनको हम बेसिकली मोटे रूप से देखते हैं। जैसे पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाना, पूंजी के विभिन्न स्रोत निश्चित करना, विभिन्न पूंजी प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात निश्चित करना, और पूंजी प्रशासन में प्रबंध की उचित नीतियाँ। तो कहने का मतलब ये है कि पूंजी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उसका अनुमान इसमें लगाया जाता है, पूंजी कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त करनी चाहिए, पूंजी प्राप्ति के विभिन्न सोर्स हैं। आपने पूंजी संरचना में पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि पूंजी प्राप्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, शेयर कैपिटल है, डेट है, और कई तरह की पूंजी प्राप्त करने के साधन हैं। विभिन्न पूंजी संपत्तियों का पारस्परिक अनुपात निश्चित करना, इक्विटी कैपिटल कितने लें, डेट कैपिटल कितने लें, लॉन्ग टर्म लोन कितने लें, शॉर्ट टर्म लोन कितने लें, तो उनका आपस में रेशियो भी हमको तय करना पड़ता है। और पूंजी प्रशासन में प्रबंध की उचित नीतियाँ कि क्रेडिट देने के संबंध में जो है, डिस्काउंट देने के संबंध में मैनेजमेंट की क्या सोच है, किस प्रकार की वो नीतियाँ बनाता है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक इसका तकनीक जो है इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। दूसरा इसमें आता है वित्तीय विश्लेषण। जब हमारे पास फाइनेंशियल सूचनाएं हैं, वित्तीय सूचनाएं हैं, तो इन वित्तीय सूचनाओं को हमको विश्लेषण करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। जैसा आपको पहले ही बताया था कि ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, इनके माध्यम से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकालते जब तक इनका एनालिसिस नहीं किया जाए। तो इनका एनालिसिस करके प्रबंधकों के लिए कंपनी की लाभदायकता की स्थिति क्या है, शोधन क्षमता की स्थिति क्या है, कंपनी की कार्यकुशलता कैसी है, इनके संबंध में हम एनालिसिस करते हैं, जिनके लिए विभिन्न तकनीक प्रबंध लेखांकन की हम काम में लेते हैं। जैसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशो एनालिसिस है, फंड फ्लो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस है, इनको हम काम लेते हैं। तीसरी टेक्निक आती है ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि ऐतिहासिक लागत लेखांकन का अर्थ क्या है कि लागतों को उनके उदय होने की तिथि अथवा इसके बाद विभिन्न वर्गों में विभाजित करके लिख देते हैं। जो लागत होती है उसको, जब ये लागत उदय होती है उसके बाद इनको विभिन्न वर्गों में विभाजित इनको हम कर देते हैं, जैसे जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो इनका उपयोग इसके अंतर्गत हम जो है वो करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनका उपयोग इसमें हम करते हैं। अगली टेक्निक है प्रमाप लागत विधि। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लागतों पर नियंत्रण, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्निक है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। पहले हम इसका भलीभांति जिक्र कर चुके हैं, इसको वेरिएंस एनालिसिस भी कहते हैं। हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसकी पहले अनुमान, लागत का अनुमान लगाते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, और वास्तव में जब हम वस्तु का निर्माण करते हैं तब उसकी वास्तविक लागत कितनी आती है। तो कई कारणों से वास्तविक लागत और आपके प्रमाप लागत में अंतर होता है, तो ये अंतर किन कारणों से है उनका हम विश्लेषण करते हैं। ये कारण सामग्री की वजह से हो सकता है, श्रम की वजह से हो सकता है, या उपरिव्यय की वजह से हो सकता है। तो इनके तीनों के अलग अलग विचरण हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद आता है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो टेक्निक है, इसको बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट को दो भागों में बांट सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वो होती है जो हमको हर हालत में चुकानी पड़ती है,
चाहे उत्पादन हो चाहे उत्पादन नहीं हो, कम हो या ज़्यादा हो। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये बढ़ जाती हैं, जैसे उत्पादन कम होता है ये कम हो जाती हैं। तो सीमांत लागत जो है इनका निर्णय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इनका जो है वो होता है। इसके बाद आता है निर्णय लेखांकन, डिसीजन अकाउंटिंग। तो डिसीजन अकाउंटिंग बेसिकली जैसा अभी आपको बताया कि ये डिसीजन अकाउंटिंग जो है मार्जिनल कॉस्टिंग पर ही ज़्यादा डिपेंड होती है, उसके आधार पर ही हम इसमें निकालते हैं। लेकिन डिसीजन अकाउंटिंग में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर या डिफरेंशियल कॉस्टिंग के आधार पर हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं और हर विकल्प के अंतर्गत हम जो है वो प्रॉफिट लॉस की हम गणना जो है वो करते हैं और उसके आधार पर फिर हम निर्णय लेखांकन में हम ये करते हैं कि हम डिसीजन हमको लेना पड़ता है कि किस विकल्प को चुना जाए, सर्वोत्तम विकल्प जो कंपनी के हित में हो उसका हम चुनाव करते हैं। तो वो डिसीजन अकाउंटिंग भी इसके अंतर्गत काम में ली जाती है। फिर है पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, रिप्लेसमेंट वैल्यू अकाउंटिंग। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू अकाउंटिंग का मतलब ये है कि इसका आशय उन रीतियों से है जिसका प्रयोग बढ़ते हुए मूल्यों की अवधि में स्थायी संपत्तियों की पुनर्स्थापना से संबंधित समस्याओं का हल करने में किया जाता है। जो हमारे पास फिक्स्ड असेट्स होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती हैं और असेट्स होती हैं, तो उनका मूल्य जो है बढ़ जाता है या मान लीजिए वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, अब उनकी जगह नई मशीनें आ गई जिनसे उत्पादन भी अच्छा हो सकता है, लागत भी कम आ सकती है, तो उनको प्रतिस्थापित हमको करना पड़ता है। पुरानी मशीन की जगह नई मशीन हमको कैसे प्रतिस्थापित करें उसके बारे में ये रिवेल्यूशन अकाउंटिंग या रिप्लेसमेंट वैल्यू अकाउंटिंग हम काम में लेते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन, ये भी लेखांकन की एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है क्योंकि आपने कार्य कर लिया, पैसा कर लिया, सब काम पैसा इकट्ठा कर लिया, लोगों को काम पर भी लगा दिया, लेकिन यदि कोई काम पॉलिसी के अनुसार नहीं हुआ तो लाइबिलिटी किसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उत्तरदायित्व कौन लेगा। कल को फ़ायदा हो गया जब तो सभी श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं कि साहब ये काम मेरी वजह से हुआ, ये काम मैंने किया, मेरी वजह से कंपनी को इतना फ़ायदा हो गया। लेकिन खुदा न खास्ता किसी वजह से यदि नुकसान हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, फिर सब हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमें जो है वो कंपनी के अंतर्गत बनाने पड़ते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग उनको टारगेट दिया जाता है और टारगेट दे करके योजनाबद्ध तरीके से उन कर्मचारियों को कार्य के प्रति उनका विभाजन करके और उनको उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। फिर आता है नियंत्रण लेखांकन, कंट्रोल अकाउंटिंग। तो कंट्रोल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जनरली एक प्रकार से ये जो ऊपर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखी है या बजटरी कंट्रोल जो है, ये दोनों अपने आप में कंट्रोल अकाउंटिंग ही है। कंट्रोल अकाउंटिंग कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन कंट्रोल कैसे करें, लागतों को नियंत्रित कैसे करें, तो उसके लिए हम ये प्रमाप लागत है, बजटरी कंट्रोल है, आपके रिपोर्टिंग है, एनालिसिस वगैरह है, इन चीज़ों को हम इसके अंतर्गत काम में लेते हैं, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जिनके द्वारा हम लागतों को नियंत्रित कर सकते हैं। अंकेक्षण ऑडिटिंग, लेखांकन का एक ये महत्वपूर्ण अंग है ऑडिटिंग। कोई भी कार्य जब कर लिया जाता है तो कार्य करने के बाद में उसकी ऑडिटिंग होना जरूरी है, जो एक निश्चित जो है एक जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके द्वारा कराई जाती है। और कंपनियों में तो ये कंपलसरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक उस अकाउंट्स की ऑडिट करके नहीं देगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा, तब तक उसको आगे कंपनी को जो है वो आगे कार्य कंपनी नहीं कर सकती। सेबी वगैरह को भी उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है और कई जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट है, बैंक्स हैं, उनको भी सारा सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ऑडिटेड अकाउंट्स देने पड़ते हैं, तो इसलिए उनका ऑडिट होना भी बहुत आवश्यक है। अब ये ऑडिट भी कई तरह से होता है, इसकी कई इसकी शाखाएं हैं ऑडिट की, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट है, आपके मैनेजमेंट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है ना, टैक्स ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, तो कई प्रकार की ऑडिट, तो जैसा जैसा व्यवसाय है उसकी आवश्यकता के हिसाब से ये ऑडिट जो है वो किया जाता है। फिर आता है प्रबंध सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली प्रबंधकों के लिए सूचना प्रदान करना है। तो जैसे ऊपर जितनी भी टेक्निक्स हमने देखी हैं उन टेक्निक्स का उपयोग करके जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, प्रबंध लेखापाल है, उनका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है। अब उनको मैनेजमेंट के समक्ष प्रस्तुत किस तरह से करें जिससे मैनेजमेंट देखते ही मैनेजमेंट के वो आंकड़े सारे समझ में आ जाए, तो उसके लिए वो ग्राफ का, डायग्राम का, चित्रों का, इनका जो है वो प्रयोग करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इनका उपयोग करके जो है वो इस कार्य को संपन्न करता है। फिर है लास्ट क्रियात्मक शोध तथा सांख्यिकी विधियाँ। तो जैसा अभी आपको बताया कि इसमें एनालिसिस करने के लिए कई प्रकार के ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग जो है वो किया जाता है, जिसमें जैसे टाइम सीरीज है, सैम्पलिंग है, आपके गेम थ्योरी है, क्यूइंग थ्योरी है,
प्रोबेबिलिटी है, तो ये कई सारी जो स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक्स हैं उनका उपयोग भी, उनकी स्टैटिस्टिक्स की जो विधियाँ हैं, सांख्यिकी विधियाँ हैं, उनका प्रयोग भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो है वो इसके अंतर्गत तकनीकें हैं, पद्धतियाँ हैं, जिनका हम इसमें प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत हम इनका उपयोग करते हैं। प्रबंध लेखांकन करने के लिए ये सारी चीज़ें होना आवश्यक है। तो इसीलिए प्रबंध लेखापाल कोई छोटा मोटा व्यक्ति, ना सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। एक प्रबंध लेखापाल जो होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, उसको इन सारी तकनीकों का, इन सारे प्रकार के जो इसके जो कार्य हैं इनका, इन तकनीकों का उसको ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो सही प्रकार से एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कार्य कर सकता है। धन्यवाद।